तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी में। ओके, तो हम देख रहे थे क्लास 12 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, सो दोस्तों हम देख रहे थे ये पार्ट नंबर 7 चालू है हमारा। मैंने पार्ट 6 तक पहले हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाकर देख लो। ओके, और नोट्स भी बना लो। ओके, चलो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा डेवलप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अभी देखो इसका मतलब क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द एंडोस्पर्म इज न्यूट्रेटिव टिश्यू, न्यूट्रेटिव फंक्शन। ओके, एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रेटिव फंक्शन है। न्यूट्रेटिव फंक्शन है मतलब न्यूट्रेटिव मतलब जो एंडोस्पर्म है वो उसे मतलब सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, मतलब एम्ब्रियो को जो मतलब ओवरी होती है वहाँ पे होता है। ओके ओके, तो न्यूरिशियस डेवलपिंग एम्ब्रियो, देखो यहाँ पे मैंने न्यूरिशियस डेवलपिंग मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसे डेवलप होने के लिए एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसे। ओके, सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द ट्रिपल फ्यूजन द हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज्ड विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन TPN। ओके, मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बताया था, वही प्रोसेस है बट थोड़ा डिफरेंस है। ओके, फ्यूजन हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज्ड विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब जो एक मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड। ओके, वन मतलब यही देखो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, वन होता है। ओके, हैप्लॉइड मतलब क्या, वन। ओके, मतलब वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद डिप्लॉइड दैट इज 2N। ओके, मतलब वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद 2N एंड दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। मतलब वही डेफिनेशन है, ट्रिपल फ्यूजन की डेफिनेशन है, डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म की डेफिनेशन है। ओके, विच डेवलप एंडोस्पर्म, मतलब वो क्या करते हैं, एंडोस्पर्म डेवलप करते हैं। ओके, थर्ड नंबर ऑफ इट इज डेवलप्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। ओके, मतलब क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन डेवलप करते हैं। ओके, ऑफ अ पेन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, ध्यान में रखो। ओके, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप साइमल्टेनियस, जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होती है वो क्या होते हैं, साइमल्टेनियस डेवलप होते हैं। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं इसके टाइप्स से कुछ दोस्तों, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट दोस्तों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड है सेलुलर एंडोस्पर्म, थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ओके, देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होता है न्यूक्लियस अंडरगोज डिवीजन। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये देखो जो साइड में यू क्या ऐसे समझो, ये ना मतलब एक मतलब प्लांट्स के अंदर का पार्ट ही है। ओके, इधर का बीच में न्यूक्लियस ऐसा है और मतलब बाजू में देखो कैसा हो रहा है, मतलब जो डिवाइड हो रहा है, बाकी की जो न्यूक्लियस डिवाइड सिर्फ एक बच रहा है। ओके, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, मतलब उस टाइप को हम बोलते हैं। ओके, मैं आपको डायग्राम निकल के दिया है आपको। ओके, तो आपके बुक में आप देख लो कि यह ऐसे डायग्राम आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं। ओके, उसे मैंने अपने मतलब खुद से तैयार किया है। ओके, तो ओके सेकंड मतलब जिसका कॉमन टाइप ही, जो कि इसका कॉमन टाइप मतलब ये कॉमन करता है सभी को। ओके, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी मतलब जो कॉमन किए हैं उन्हें देखो ना, ऐसा ऐसा क्रॉस करके सब कुछ उन्होंने मतलब एक जैसे पार्ट बनाए। ओके, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के। ओके, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म, मतलब क्या, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ओके, इसका क्या है, फाउंड इन डाइकोट, इसमें क्या करता है, डाइकोट को फाउंड करता है। ओके, देखो अभी यहाँ पे पूरा मतलब पूरा डिवीजन हो चुकी है पूरे न्यूक्लियस के साथ सभी की। ओके, थर्ड नंबर के हेलोबियल एंडोस्पर्म दैट इज वॉल फॉर्मेशन, में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन, देखो बीच में देखो ऐसी वॉल फॉर्म हो रही है देखो। ओके, और बाजू में क्या हुआ है, पूरा न्यूक्लियस का मतलब डिवाइडेशन हुआ है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अभी आप क्या करो, ये डायग्राम मैंने अच्छे से मतलब हमारे मतलब जो आपकी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से निकालो, क्योंकि यहाँ से आपको ये समझने वाला है। अगर आप बुक में जाके देखोगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा दिया है जो आपको अच्छे समझे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट में दिया, इसके आगे आपको कुछ नहीं पूछेगा। और ये पेपर में आप कम से कम 2 मार्क्स को पूछ सकते हैं। ओके, 2 मार्क्स को पूछ सकते हैं, ध्यान में रखो। ओके ओके, तो चलो आगे देखते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, तो दोस्तों हमारा खत्म हुआ, आज मैंने थोड़ा ही टॉपिक लिया था आपके लिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पे हमें नए पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ओके, तो दोस्तों बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायरेक्टली हमारे सेकंड पार्ट में। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसके बाद का, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ओके, उसके बाद में 11th का एक चैप्टर लेने वाला। ओके, तो दोस्तों बाय फ्रेंड्स।